हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम आए हैं शेतकरी ढाबा, जो कि बहुत ही फेमस हो चुका है अभी नवापुर बीच जो विरार में है। और यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ एंड आई जस्ट वांटेड टू चेक आउट तंदूरी वड़ा पाव एंड तंदूरी मिसल। एंड आई मस्ट से इट इज़ एन इम्प्रेसिव प्लेस, सो लेट मी शो यू द फूड एंड द प्लेस अराउंड। फेमस तंदूरी वड़ा पाव और मैं बहुत ही इम्प्रेस हूँ इनके प्रेजेंटेशन प्लेटिंग से। इट्स वेरी अमेजिंग। एंड ये है उनका तंदूरी मिसल और ये है यहाँ पे खीमा पाव। सो ये जो आई थिंक जो सब्जियाँ है ये इनके फार्म में ही यहाँ पे उगाई गई है। और यहाँ पे पापड़ है, साथ में नींबू है, चटनी है जो कि यहाँ स्पून में है। और उन्होंने काफ़ी अलग तरीके से इस वड़ा पाव को प्रेजेंट किया है। सो ये जो वड़ा पाव है इसे इसमें बहुत सारी चटनी और बहुत सारा कैबेज है यहाँ पे। लेट मी रिमूव दिस वड़ा फर्स्ट, इट्स हॉट। सो अभी ये वड़ा पाव को हम ये स्पून में से निकालते हैं और ये चटनी को यहाँ रख देते हैं। एंड दिस इज द वड़ा एंड दिस इज द पाव। सो इवन इनका जो पाव है ये तंदूर में उन्होंने रोस्ट किया हुआ है इसको। लेट मी टेस्ट। थोड़ा सा स्पाइसी है बट इसका जो चटनी जो उन्होंने यूज़ की है वो थोड़ी सी अलग है। आई थिंक मेयोनीज एंड चिली पेस्ट है और तंदूर का अच्छा स्मोकी फ्लेवर आ रहा है इसमें। बट इट्स वेरी यम्मी, इट्स इररेसिस्टिबल। साथ में पापड़ भी है। ये शेंगदाने की चटनी है। अच्छी है, ज्यादा स्पाइसी नहीं। एंड यहाँ पे ये और एक वड़ा पाव है जो हम फिनिश कर लेंगे अभी थोड़ी देर में, इसी को टेस्ट करते हैं अभी। ये पाव जो है ये काफी क्रिस्प है ऊपर से।
बहुत अच्छा है ये मिक्सिंग, बहुत टेस्टी है, काफ़ी फ्लेवर्स है और नींबू डालने के बाद उसका टेस्ट और एनहेंस हो रहा है, बहुत अच्छा। अभी हम खीमा पाव टेस्ट करते हैं। ये चिकन खीमा है, मटन खीमा नहीं है जैसे उन्होंने हमें अभी बताया। बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। आई थिंक काफ़ी टाइम बाद मैंने ऐसा टेस्टी खीमा टेस्ट किया है, बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूँगी ये प्लेस, जो कि नवापुर बीच के यहाँ पे है। आप गूगल लोकेशन में डाल दोगे आपको इजीली मिल जाएगा ये, और आसपास बहुत सारी ग्रीनरी है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे, यू विल फील एट होम एंड द फूड इज डेफिनेटली वेरी गुड, वेरी यम्मी। ओनर है इस जगह के, और मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ यहाँ के खाने से, और जो एम्बियंस भी है बहुत ही डिफरेंट है और बहुत अच्छा है। तो हम जानना चाहेंगे कि ये जो आपको आइडियाज़ मिली है प्लेटिंग एंड प्रेजेंटेशन, क्योंकि मैंने ऐसे यहाँ पे तो कभी नहीं देखा बीच साइड में कभी भी कि इतना अच्छा प्रेजेंटेशन हो गई वड़ा पाव को लेके, बहुत ही अच्छा है। तो आप कैसे आपको ये आइडिया? तो मुझे 28 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 28 ईयर्स। तो मैं बॉम्बे होटल में काम किया हूँ, फर्स्ट होटल में, दूसरे होटल में काम किया हूँ, और कार्डोन क्रूज लाइन में 15 ईयर्स उधर काम किया हूँ, और मैं फाइन डाइनिंग का शेफ था। तो उस हिसाब से जो भी प्रेजेंटेशन है, जो भी है आप देख रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं प्रेजेंटेशन करता हूँ। और दूसरी बात ऐसी है कि मिस्टर वड़ा पाव, तो आप देखें मेरे ढाबे में फैमिली साथी है, तो ऐसी जगह किधर भी ऐसी मिसल और प्रेजेंटेशन किधर भी नहीं है। तो मेरा कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जब फैमिली आके वो फूड इंजॉय कर सकते, तो इस हिसाब से आप मैं पूरा गांव के तरफ नेचुरल व्यू ऐसा बैठ कर। सो ओके, सो आप शेफ हो ये मुझे आगे बता सकते हैं कि बहुत साल बाहर करने के बाद क्या है कि इंडिया में अभी सेटल होना है, फैमिली है, तो इसके लिए मैं लास्ट 4-5 साल से जॉब छोड़ के फिर इधर ही जो जगह है मेरे खुद का जगह है, और मेरे घर भी बाजू में है, पास में है, तो नज़दीकी है कुछ तो एक स्टार्ट करने का बिजनेस तो मेरे माइंड में ऐसा आ गए। ये चालू के ऑलमोस्ट 1.5 साल होने को है, क्योंकि हम लोग क्वालिटी, फूड क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस है मेरा, इसके लिए आप देखा कि मेनू मैंने शॉर्ट रखा है, क्योंकि हर चीज़ कस्टमर के तरफ परफेक्ट जाए। एक बार जो कांदा लड़का लोग करते हैं, पाव गर्मा गर्म होता है, आपके साथ पाव भी गर्मा गर्म आ रहेगा, तो हर चीज़ पर्टिकुलर जाने के लिए मैंने मेनू भी छोटा रखा हुआ है कि हर चीज़ परफेक्ट कस्टमर के इधर जाए। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, और काफ़ी अच्छा आपका फूड है, हमें बहुत अच्छा लगा, और आपको आगे के लिए भी ऑल द बेस्ट, आपका टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। ऊपर भी आके बैठ सकते हैं, और ऊपर से व्यू भी बहुत अच्छा है,
हम अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं आज लोकेश शेतकरी ढाबा का। और इनका जो टाइमिंग है वो है सुबह में 7 to 1, 7 बजे से लेके 1 बजे तक, और शाम में ये ओपन रहता है 5 o'clock to 8 o'clock, जो है कि 5 बजे से लेके 8 बजे तक। और इनके पास मोस्टली स्नैक्स वाली चीज़ें हैं, बट आप लंच में भी ये खा सकते हो, और काफ़ी अच्छी प्लेस है, डेफिनेटली आना चाहिए अगर आप यहाँ आसपास कहीं पे घूमने आ रहे हो या यहाँ पे रह रहे हो। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।